कुछ दिन पहले बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले निर्देशक कबीर खान फैंटम लेकर आए हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले कबीर का ग्राफ फैंटम में नीचे आ गया है। फैंटम एक औसत फिल्म बनकर रह गई है तो दोष स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और एक्टर्स को दिया जा सकता है। एस जैदी की किताब मुंबई एवेंजर्स पर फिल्म आधारित है। 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला कर दिया था। इस हमले की योजना बनाने वाले मास्टरमाइंड्स की हत्या करने की योजना रॉ बनाता है। सर मेरे पास एक आइडिया है। कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा। इस मिशन को अंजाम देने के लिए दानियल खान को चुना जाता है। कहने को तो यह फिल्म थ्रिलर है, लेकिन थ्रिल ऐसा नहीं है कि दर्शक सीट से ही चिपका रहे। सारे खूंखार आतंकवादियों को बहुत ही आसानी से निपटा दिया गया, मानो यह बाएं हाथ का खेल हो। साजिद और डेविड की हत्या बहुत ही आसानी से कर दी गई है, जबकि हारिस का अंत बहुत ही फिल्मी है। पाकिस्तानी गलियों में उसका पीछा करते हुए हीरो रास्ते इतनी आसानी से ढूंढ लेता है मानो वह वहीं पैदा हुआ हो। लॉजिक को भी कई बार साइड में रख दिया गया है। जैसे रॉक के चार ऑफिसर्स बताते हैं कि इस मिशन के बारे में किसी को भी बताया नहीं जाए, लेकिन दानियल खान कुछ मुलाकातों के बाद ही नवाज मिस्त्री यानी कैटरीना कैफ को मिशन के बारे में सारी जानकारी दे देता है। दूसरे हाफ में फिल्म जरूर मजबूत होती है जब ड्रामा पाकिस्तान में शिफ्ट होता है। फिल्म जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ती है रोमांच भी पैदा होता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कबीर खान का प्रिय विषय रहा है और फैंटम में भी उन्होंने यही विषय उठाया है। फिल्म देखते समय आपको बेबी और डी डे जैसी फिल्में भी याद आएंगी। फैंटम को देख ऐसा लगता है कि कबीर खान बहुत कुछ दिखाना चाहते थे, लेकिन समय कम पड़ गया हो। ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है, जिससे कई बातें स्पष्ट नहीं हो पाई। कहानी तो उन्होंने ठीक चुनी, लेकिन सिनेमा के रूप में वे उसे ठीक से पेश नहीं कर पाए। फिल्म का संपादन भी दोषपूर्ण है, जिसके कारण उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलती बस सा एहसास फिल्म कराती है। सैफ अली खान और कैटरीना कैफ मिसफिट नजर आए। पूरी फिल्म में सैफ की हेयर स्टाइल बदलती रही, लेकिन सैफ के चेहरे के भाव एक जैसे रहे। कहानी को जिस तरह से करिश्माई हीरो की जरूरत थी, उसे सैफ पूरी नहीं कर पाए। बुरी एक्टिंग में सैफ से कैटरीना कैफ ने भी जमकर टक्कर ली है। सीन कैसा भी हो, कैटरीना के एक्सप्रेशन एक जैसे रहे। फिल्म का एक्शन बुरा नहीं है, लेकिन कोई नई बात भी नहीं है। फैंटम की कहानी पर एक बेहतरीन फिल्म बनने की संभावनाएं थी, जिसका फायदा नहीं उठाया जा सका। ठीक वैसा ही हुआ मानो बैटिंग के लिए अनुकूल पिच पर टीम सस्ते में ऑल आउट हो गई। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूं।